नीमच शहर में लंबे समय से अम्बेडकर भवन निर्माण हेतु सामाजिक संगठन एवं आरक्षित समाज द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सर्कल पर अम्बेडकर भवन निर्माण की मांग की जा रही थी। सामाजिक संगठन आरक्षित समाज के प्रयासों को जनप्रतिनिधियों एवं शासन प्रशासन के सहयोग से नगरपालिका नीमच द्वारा टेंडर जारी कर भूमि पूजन का कार्य किया गया है। उक्त कार्यक्रम में सभी सामाजिक संगठन अजाक सनाजी यादव, यादव महासभा, युवा मेघवाल समाज संगठन, मेघवाल समाज संघ एवं अन्य समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। आज ये हमारे लिए एक बड़े गर्व का विषय है कि अम्बेडकर सर्कल पर एक भव्य अम्बेडकर भवन का निर्माण होने जा रहा है। करीब 15 से 20 लाख रुपए का ये भवन बनेगा और इसमें हर साल अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब के महानिर्वाण दिवस पर प्रोग्राम होंगे। क्योंकि नीमच में ऐसा कोई हाल आसपास था नहीं अम्बेडकर सर्कल के जहाँ पर कोई आयोजन हो। बरसात के समय भी हम लोग खड़े रहते थे। रमेश जी कदम साहब हमारे, रमेश जी पवार साहब अजाक के जिलाध्यक्ष, आरपी जी और अपने ररोतिया जी, सभी लोग प्रयास में लगे हुए थे कि यहाँ अम्बेडकर सर्कल के पास में एक अम्बेडकर भवन बने, जिससे वो हाल बनने के बाद एक सांस्कृतिक प्रोग्राम और बाबा साहब के सभी आयोजन उस हाल में हो सकेंगे। नगर कलेक्टर साहब जितेंद्र सिंह जी, राजे साहब से हम सब लोग मिले और उन्होंने इसके जरिए जो टेंडर कॉल किया और आज भूमि पूजन होने जा रहा है। हम जितेंद्र सिंह जी, राजे साहब, नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं राकेश जी जैन साहब और रमेश जी कदम साहब, हमारे पार्षद योगेश जी प्रजापति, इन सबके प्रयासों से आज ये आयोजन हो रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाबा साहब की स्टेचू के समीप रिक्त भूमि पर भीम अनुयायियों ने लगातार एक वर्ष से प्रयास करने के उपरांत नगर पालिका के सहयोग से, कलेक्टर महोदय के सहयोग से और हमारे मीडिया के सहयोग से और यहाँ के पार्षद महोदय दिनेश यादव, राकेश जैन और योगेश प्रजापति के सहयोग से यहाँ पर एक टेंडर हुआ है, उसका आज भूमि पूजन कर रहे हैं। हम सभी भीम अनुयायी, सभी SC ST के इन सभी को साधुवाद देते हैं कि इन लोगों ने हम लोग के आवाज़ को सुना, हमारी प्रार्थना को सुना और आज भवन बनने को जा रहा है। हम इन्हीं प्रशासन से, नगर पालिका से इसी प्रकार की अपेक्षा रखते हैं कि इसी प्रकार का वो सहयोग बनाए रखें ताकि हमारे महापुरुषों का चित्रण उसमें हम लोग कर सकें। नीमच से दीपक हतावे की रिपोर्ट।